चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं आलू की पूड़ी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए हमने जीरा ले लिया है, थोड़ा सा लहसुन है और दो हरा मिर्च है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है। इसको हम पीस लेंगे और आलू को हमने बॉईल कर लिया है, आलू भी पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने पीस लिया है और इसमें आलू को बॉईल किया है, आलू को भी इसी के साथ पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पीस के तैयार हो गया है। अब इसको हम आटा में गूंथ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब इसको हमने इसमें लाल मिर्च भी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम धनिया। इसमें हम डालेंगे आटा और थोड़ा थोड़ा करके डाल के आटे को गूंथ लेंगे। इसमें डालेंगे हम नमक 1 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। आटा सन के तैयार हो गया, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है आटा, इसको ऐसे से मिला लेंगे, इस तरह गोला गोला बना लेना है और पूरी बनाना है। तेज रखेंगे, हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम पूरी डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बन के तैयार हो चुकी है आलू की पूड़ी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा ज़रूर।